नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और आपका स्वागत करता हूं एसजीटीयूग टेक्नोलॉजी के बिल्कुल नए एपिसोड पे। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एचटीएमएल, क्या होता है एचटीएमएल। दोस्तों, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर पढ़ा हो या आपने कभी भी वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में सुना हो तो आपने एचटीएमएल का नाम तो जरूर सुना होगा, पर ज्यादातर हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें एचटीएमएल कभी किसी ने सही से पढ़ाई नहीं होती। चाहे बचपन में हो, बचपन में कहा जाएगा बेटा अभी नहीं, आगे पढ़ा देंगे। फिर थोड़े बड़े हुए तो बेटा अभी नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ा देंगे। और फिर थोड़े टाइम बाद ये कहा जाता है बेटा पिछले क्लासेस में था तो आपने पढ़ा तो होगा ही। तो एचटीएमएल कुल मिलाकर हमारे समझ नहीं आती होती क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि एचटीएमएल आखिर है क्या, वेबसाइट डिजाइनिंग में इसका रोल क्या है, कैसे हम इसको सीख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं व्हाट इज एचटीएमएल। मान लीजिए आपकी वेबसाइट एक आयरन मैन है। अब अगर आपकी वेबसाइट आयरन मैन है तो आपकी वेबसाइट के पास एक स्केलेटन होगा, एक हड्डियों का पूरा ढांचा होगा। तो आपकी जो एचटीएमएल है ना, वो आपके ढांचे की तरह है, हड्डियों की तरह है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एचटीएमएल आपकी वेबसाइट को। अगर आप एज अ मैन देखो एक वेबसाइट को तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें एचटीएमएल क्या है, सिर्फ आपकी हड्डियों की तरह है, आपके कंकाल की तरह है जो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है। उसी तरह वेबसाइट में एचटीएमएल वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देती है। अगर आपको कोई भी काम करना होता तो आप अकेले हड्डी की मदद से तो कर नहीं सकते। अब आपको जरूरत होती है मसल्स की, तो जो आपकी मसल्स है ना वो आपकी पीएचपी की तरह है, आपकी जावास्क्रिप्ट की तरह है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा सीएसएस के बारे में भी बात कर लें, तो आप केवल ऐसे मांसपेशी वाला आदमी अगर भागेगा लोग डर नहीं जाएंगे, आप डर जाओगे ना अगर आपके सामने ऐसा कोई मांसपेशी लेके भाग रहा है, मसल्स लेके भाग रहा है इस तरह। तो उसके ऊपर थोड़ी सी सुंदरता चढ़ा दी जाती है, यानी कि थोड़ा सा स्किन उसको दी जाती है, फिर वो कपड़े पहनता है सुंदर सुंदर। देखिए टोनी स्टार कितना सुंदर लग रहा है। सो तो टोनी स्टार की तरह आप भी एकदम मतलब स्किन के साथ, कपड़ों के साथ, दाढ़ी वाढ़ी बढ़िया बना करके फिट हो जाते हो, तो आपकी वो जो दाढ़ी है, सीएसएस है, स्किन है, तो वो आपकी सीएसएस होती है, आपका मेकअप होता है। सीएसएस आपकी वेबसाइट का क्या है, मेकअप है, क्लोथिंग है, कपड़े हैं। और अगर आप इन तीनों को मिला दो ना तो आपकी वेबसाइट क्या है, एक आयरन मैन है। तो ये तो बात हो गई कि एचटीएमएल का क्या रोल होता है वेबसाइट के अंदर, बट टेक्निकली अभी भी मुझे नहीं समझ में आया कि एचटीएमएल क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि टेक्निकली एचटीएमएल क्या होता है, व्हाट इज एचटीएमएल टेक्निकली। एचटीएमएल को आप कह सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। यानी जब भी आपको वेबसाइट बनानी हो या कोई हाइब्रिड एंड्रॉइड ऐप आपको बनानी होगी तो आप क्या यूज करोगे, एचटीएमएल का यूज करोगे, ठीक है। तो अब इसमें एक नया टर्म आ जाता है, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब, मार्कअप लैंग्वेज बहुत आसान सी चीज है, जरा समझिए। आप जब भी कभी कोई बुक पढ़ते हो, कोई नोट्स याद करने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो, जगह जगह मार्क करते हो, जगह जगह निशान लगाते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टफ है, इस तरह से आप चीजें मार्क करते हो ना। उसी तरह आपकी वेबसाइट में भी बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, तो उसमें कैसे पता चलेगा आपके ब्राउजर को, वेब ब्राउजर को, क्या चीज हेडिंग है, क्या लिंक है, क्या इमेज है। आखिर कंप्यूटर तो 01 में समझता है ना, तो उसको मार्क करना पड़ता है हर चीज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब यही हो गया कि हम एचटीएमएल के थ्रू चीजों को मार्क करते हैं कि ये हमारा टैग है, ये हमारा टेबल है, ये हमारी लिस्ट है। इस तरह से HTML का यूज करके हम लोग उसको मार्क कर देते हैं, इसलिए HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज। नाउ अब क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि HTML क्या है, केवल एक स्केलेटन है, तो स्केलेटन का मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो HTML का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा ना, वेल डिफाइंड। चलिए जानते हैं क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हम लोग HTML इंप्लीमेंट करते हैं। HTML डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि जैसे अलग अलग सिंटैक्स होता है ना हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स, तो एचटीएमएल एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए अलग टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए अलग होते हैं, लिंकिंग, लिस्टिंग, मल्टीमीडिया यानी इमेजेस, ऑडियो वीडियो के लिए अलग टैग, मार्क्यू टैग हम लोग बेसिकली एनिमेशन के लिए करते हैं,
फॉर्म टैग्स का यूज करते हैं फॉर्म बनाने के लिए, टेबल टैग यूज करते हैं हम लोग टेबल बनाने के लिए। तो ये बेसिक से टैग हैं, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर में आपका स्टार्टिंग होता है डॉक टाइप से, फिर आपका एचटीएमएल टैग आता है, फिर हेड टैग आता है, फिर टाइटल टैग आता है, फिर बॉडी टैग आता है। डिटेल में इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग थ्योरी जानने वाले हैं कि HTML क्या है। और अगर आप चाहते हो कि मैं HTML पे कोई एक नया पूरा ट्यूटोरियल बनाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट करना। एंड देन अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये डॉट टाइप से स्टार्ट हुआ, फिर HTML टैग हमने ओपन किया, फिर हेड टैग आया, हेड के बाद हमने हेड के अंदर टाइटल टैग का इस्तेमाल किया, फिर उसको हेड टैग को बंद किया, फिर बॉडी आई। अब इसमें हुआ क्या? HTML से हम लोगों ने स्टार्ट किया, यानी कि ये HTML का पेज है, ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया। फिर हेड का मतलब आ गया जो भी आपके पेज का हेडर है। ये एक बेसिक सा टैग आप देख रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। तो इसके बारे में अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में, वो भी तब जब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या मुझे इसके आगे इसके ऊपर कोई डीप वीडियो बनानी चाहिए, क्या आप चाहते हो HTML की डीप वीडियो, तो प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको HTML समझ आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, और जहां भी रहिए बिंदास रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।